नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में अब शुरू होगी इंटरमीडिएट की पढ़ाई। झारखंड राज्य के किसी सरकारी विश्वविद्यालय में पहली बार ऑनलाइन तरीके से इंटर की पढ़ाई शुरू हो रही है। छात्र हित में झारखंड राज्य ओपन यूनिवर्सिटी में इस शैक्षणिक सत्र से प्री यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी इसमें नामांकन ले सकते हैं। कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। इसके लिए बुधवार को झारखंड राज्य ओपन यूनिवर्सिटी के साथ इंटरनेशनल काउंसिल फॉर वर्चुअल एजुकेशन नई दिल्ली के साथ MOU किया गया है। इस अवसर पर झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से कुलपति डॉक्टर TN साहू, रजिस्ट्रार डॉक्टर घनश्याम सिंह, मोहनलाल साहू उपस्थित थे, जबकि ICVA की तरफ से अध्यक्ष शबाब आलम, संदीप त्यागी आदि उपस्थित थे। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर घनश्याम सिंह ने बताया है कि इस MOU का उद्देश्य झारखंड में माध्यमिक और उच्च शिक्षा के बीच अंतर को कम करना है। इस पाठ्यक्रम के शुरू होने पर झारखंड के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। डॉक्टर सिंह ने बताया है कि विश्वविद्यालय में शीघ्र ही नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साइबर अपराधियों का नया तरीका, दुष्कर्म में फंसाने की धमकी देते हुए ठगे 30,000 रुपये। बेटे को दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी देते हुए साइबर अपराधियों ने पुलिस अधिकारी बनकर एक पिता से 30,000 रुपये की ठगी कर ली है। गुमला शहर के बैंक कॉलोनी दुदुरिया निवासी अजीत मिस्त्री के पास मंगलवार को सुबह 11:30 बजे एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने अपने को थाना का पदाधिकारी बताते हुए कहा है कि आपका लड़का व उसके 4-5 साथी एक लड़की के साथ संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए हैं, जिसे थाना में अलग अलग कमरे में रखा गया है। इन सभी को बलात्कार के केस में जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, लेकिन आपके लड़के को हम लोग थाना से ही जमानत दे देंगे। आप जल्दी आइए और 30,000 ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपके बेटे को रेप केस में जेल में भेज दिया जाएगा। इसके बाद कोई सुनवाई नहीं की जाएगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके पैसा डाल दो। इसके बाद उक्त व्यक्ति ने अपना UPI नंबर व QR कोड अजीत के मोबाइल पर भेज दिया। झारखंड में 27 मई तक गरज के साथ बारिश। झारखंड में जहां सियासी पारा चढ़ा हुआ है, वहीं मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। राज्य में 27 मई तक गरज के साथ बारिश के आसार हैं। इस दौरान वज्रपात व तेज हवाओं को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। कई जिलों में जहां आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, वहीं कई जगहों पर चिलचिलाती धूप व उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में अगले 24 घंटे के दौरान आंधी और गरज के साथ बारिश के आसार हैं। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चाईबासा, जमशेदपुर और सरायकेला में बारिश हो सकती है। बोकारो, खूंटी, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम के कुछ भागों में मध्य दर्जे के मेघ गर्जन एवं बारिश हो सकती है। वज्रपात की भी आशंका है। इसके साथ ही कुछ जिलों के कुछ स्थानों पर तेज हवा भी देखी जा सकती है। झारखंड में 20 मई को 63% हुई थी वोटिंग। झारखंड की अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया है कि देश में 5वें चरण और झारखंड में 2रे चरण में संपन्न चुनाव में 63.21% लोगों ने मतदान किया है। वहीं गांडे विधानसभा उपचुनाव में 68.92% मतदान हुआ है। झारखंड में 2रे चरण में कुल 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में 20 मई को मतदान हुआ था। चतरा में 63.69%, वहीं कोडरमा में 61.81% और हजारीबाग में 64.39% मतदान हुआ है। अब तक 1,28,00,00,000 से अधिक की अवैध सामग्री और कैश की भी जब्ती की गई है। वे बुधवार को धुरवा के निर्वाचन सदन में प्रेस वार्ता कर रही थी। कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के बोड़ाम के हॉट टोला मैदान में बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह झामो का स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। कल्पना ने भारी बारिश के बीच लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि केंद्र से राज्य के विकास के लिए 1,36,000 करोड़ रुपये की मांग की तो साजिश के तहत हेमंत बाबू को जेल में डाल दिया। कल्पना ने कहा है कि भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में देश की जनता को झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं दिया। जनता से जो भी वादा किया उसे आज तक पूरा नहीं किया। क्षेत्र का सांसद कहाँ रहता है जनता को यह भी मालूम नहीं है। राज्य के आदिवासी मूल वासियों का विकास करने वाले हेमंत बाबू की सरकार ने 26 लाख लोगों को पेंशन राशन से जोड़ने एवं 15,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया। उन्होंने कहा कि चुनावी मौसम है, भारी बारिश के बावजूद दूर दराज से आए हमारी जनता ने मन बना लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार को देश में लाकर भाजपा की कुर्सी को हिलाने का काम करेगा।
मुख्यमंत्री ने मथुरा महतो के पक्ष में मांगा वोट। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने धनबाद जिले के बागमारा विधानसभा अंतर्गत सोनारडीह नीमतला ग्राउंड में बुधवार को गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के जेएमएम प्रत्याशी मथुरा महतो के पक्ष में चुनावी सभा किया है। कार्यक्रम स्थल पर सीएम के साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता, जेएमएम प्रत्याशी मथुरा महतो, राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जालेश्वर महतो, राजद बाघमारा प्रखंड अध्यक्ष रोहित यादव सहित कांग्रेस जेएमएम के स्थानीय नेता मौजूद रहे। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम चंपाई सोरेन ने कहा है कि भाजपा मुद्दा विहीन है, विकास रोजगार महंगाई पर बात नहीं करती। 10 साल से भाजपा की केंद्र सरकार केवल जुमला लोगों को दे रही है। उन्होंने कहा है कि देश में इंडिया गठबंधन की लहर है, मोदी मैजिक अब देश में समाप्त हो चुका है। वहीं सीएम ने कहा है कि झारखंड की 14 सीट पर इंडिया गठबंधन जीतेगी। कल्पना सोरेन ने भीड़ में ली बच्चों के साथ सेल्फी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फेसबुक आईडी से एक पोस्ट किया गया है। पोस्ट में कल्पना सोरेन की कई तस्वीरें हैं। तस्वीरें जमशेदपुर के बोड़ाम का है, जहां वह चुनावी सभा करने गई थी। हालांकि सभा से पहले वहां भारी बारिश हुई। भारी बारिश में भी कल्पना सोरेन को सुनने और उनसे मिलने के लिए समर्थकों की भीड़ पहुंची। बारिश की परवाह किए बगैर भारी संख्या में लोग कल्पना सोरेन की चुनावी सभा में शामिल हुए। चुनावी सभा खत्म होने के बाद कल्पना सोरेन की एक झलक पाने को उनके समर्थक बेताब दिखे। कल्पना ने लोगों को निराश भी नहीं किया, वे लोगों के साथ सेल्फी ली, बातचीत की, उनकी खुशियों में शामिल हुई। कल्पना सोरेन के दुखों को भी समर्थक बखूबी समझते हैं। कल्पना सोरेन तीर धनुष के साथ सेल्फी ली, फोटो खिंचवाई, मानो ऐसा लग रहा था कि यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं विरोधियों के लिए कड़ा संदेश भी हो। उन्होंने हराना इतना आसान नहीं, तानाशाही ताकतों का अब ध्वस्त होना निश्चित हो गया है। 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का है टेंडर घोटाला ईडी। सर्वोच्च न्यायालय में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अंतरिम जमानत से जुड़े मामले में दाखिल हलफनामे में ईडी ने आंशिक रूप से दावा किया है कि झारखंड में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का टेंडर घोटाला हुआ है। ईडी ने हलफनामों में बताया है कि यहां सिर्फ भूमि घोटाला ही नहीं हुआ, बल्कि यहां टेंडर कमीशन में भी बड़ा खेल हुआ है। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ही ईडी ने राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को गत 15 मई को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। वे 17 मई से ईडी की रिमांड पर हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है। मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी वर्क ऑर्डर आवंटन के बदले ठेकेदारों इंजीनियरों से कमीशन वसूलने के मामले में हुई है। कमीशन की राशि मंत्री से लेकर विभाग के अन्य नौकरशाहों तक पहुंचता था। टीएसपीसी के 15 नक्सलियों पर एफआईआर दर्ज। पलामू के नौडिहा बाजार थाना क्षेत्र के सलैया खुर्द में ग्रामीणों के साथ मारपीट मामले में पुलिस ने टीएसपीसी के टॉप कमांडर नगीना गौतम जितेंद्र समेत 15 नक्सलियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 341, 321, 325, 307 एवं 17 CLA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि सलैया खुर्द में सोमवार की रात प्रतिबंधी नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के दस्ता गांव के लालू सिंह के घर पहुंचकर उनके और उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की थी। इसी घटना में लालू सिंह, उनके पुत्र रंजीत सिंह और उनके परिवार के श्रीराम सिंह, प्रेम शंकर सिंह घायल हो गए थे। देवेंद्र महतो के जेल से निकलते ही कार्यकर्ताओं में बढ़ा जोश। रांची लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र महतो 17 दिनों के बाद होटवार जेल से रिहा हुए हैं। उनके रिहा होते ही कार्यकर्ताओं में जोश का संचार हुआ है। इसके बाद वे अपने चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। उनका सहयोग देने के लिए हजारीबाग लोकसभा प्रत्याशी संजय मेहता, पश्चिमी सिंहभूम प्रत्याशी दामोदर हंसदा, महिला मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष दयंती मुंडा, कोडरमा प्रत्याशी मनोज यादव, कुर्मी विकास मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओदार, जपा के परमेश्वर महतो, पंच परगना फाइटर ललित कुमार आदि मौजूद थे। बुधवार को सिली विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव से मोटरसाइकिल जुलूस और रोड शो किया गया। इसके अतिरिक्त अनगड़ा और कांके में रोड शो किया गया है। हेमंत की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किया हस्तक्षेप से इनकार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही बताने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने बुधवार को कहा है कि हेमंत के खिलाफ ईडी की विशेष कोर्ट ने संज्ञान लिया है और उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई है, पर इसका उल्लेख हेमंत ने अपनी याचिका में नहीं किया है। कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दी जा सकती।
इस कारण हाई कोर्ट के आदेश में अदालत न हस्तक्षेप करेगी और न ही किसी प्रकार की अंतरिम राहत ही दे सकती है, इसलिए अदालत इस याचिका को खारिज कर रही है। इस पर हेमंत का पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा है कि वह अपनी याचिका वापस लेते हैं। धन्यवाद।